सॉरी सब्जेक्ट सोशल साइंस. टुडे आई हैव टू स्टार्ट द चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट्स. ये चैप्टर आजादी से रिलेटेड है और आप जानते हैं कल कौन सा दिन है हमारा. ये हमारे वो आजादी से रिलेटेड ही दिन है, तो 15 अगस्त एंड 26 जनवरी. और नेशनल वेरी गुड बिगनिंग का टाइम देखिए कितना अच्छा है. नेशनल मूवमेंट्स जस्ट बिफोर द 26 जनवरी चैप्टर द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर क्या है, नेशनल मूवमेंट. तो इस नेशनल मूवमेंट में हमको जानना है क्या, किस तरह से हम लोगों ने ब्रिटिश रूल, कंपनी रूल एंड ब्रिटिश रूल से अपना स्ट्रगल किया, खास करके नॉन वायलेंस स्ट्रगल. और धीरे धीरे क्या है हम लोगों ने, ठीक है क्या गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड ज्वाइन फास्ट सो दैट आई कैन एक्सप्लेन. आप तेजी से ज्वाइन करें ताकि हम अपना एक्सप्लेनेशन सही ढंग से कर सके. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टॉप चेयर्स. ओके, तो क्या है आज का जो चैप्टर है वो है आपका नेशनल मूवमेंट. नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री का चैप्टर हमने क्या किया भाई, हमने पढ़ा अभी इसका सिविक्स का चैप्टर हमने खत्म किया, कंक्लूड किया. सिविक्स का चैप्टर अच्छा चैप्टर था, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. उसके बाद ज्योग्राफी चल रहा था हमारा, वो भी चैप्टर अच्छा ही था. थोड़ा हिस्ट्री का चैप्टर भी हम लोग पढ़ लिया जाए. और आपका प्रेजेंटेशन मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन. पर डे का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, सो प्लीज ज्वाइन इन लार्ज नंबर. ज्यादा संख्या में आपका ज्वाइनिंग होना जरूरी है, मेरी बात समझ लीजिए. तो नेशनल मूवमेंट में हम लोग को पढ़ना क्या है आज, फेज वन, इसके बारे में पहले जानना है कि नेशनल मूवमेंट का मतलब क्या होता है. और पिछले क्लासेस का कुछ डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. पिछले क्लासेस का डाउट भी क्या है आप पूछ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि पिछले चैप्टर का डिस्कस नहीं करना है, हम शुरू कर लिए. तो क्या है कि इसको थ्री फेज का मोटर भी होता है, लेकिन थ्री फेज में हम लोगों ने कोई फेज वगैरह होता नहीं है. फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, ऐसा कोई हम लोग प्लानिंग बनाकर नहीं हुआ है. हम लोगों ने स्टडी करने के लिए करते हैं कि भाई ये फेज वन है, ये फेज टू है, ये फेज थ्री है, इस तरह का जो है हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं. तो ये नेशनल मूवमेंट का चैप्टर है, इसको पहले आप लिख लेंगे बुक में. आपके बुक में दो चैप्टर में दिया गया है नेशनल मूवमेंट. तो भाई हम इसको क्या करेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझ गए. गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो फेज वन, फेज टू, फेज थ्री. तो भाई नेशनल मूवमेंट का मतलब है ऐसी लड़ाई किसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, किसके खिलाफ हमारा जो मूवमेंट हुआ है, वो मूवमेंट हमारा हुआ है किसके खिलाफ में, ब्रिटिश रूल के खिलाफ में. किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश रूल के खिलाफ में हमारा जो भी नेशनल मूवमेंट हुआ है किसके अगेंस्ट में हुआ है, किससे हम लोगों ने हम बाहर निकल कर आए अल्टीमेटली लास्ट में क्या भाई, ब्रिटिश रूल के हिसाब से. थोड़ा इतिहास की गहराइयों में हम जाते हैं, इतिहास की गहराइयों में पढ़े थोड़ा सा आपको जानने की इजाजत दीजिए ताकि इतिहास की गहराइयों में जाए और आप भी जो है इतिहास की गहराइयों में जाए. पहला मेरा क्वेश्चन है, बीच में क्वेश्चन पूछेगा, इंडिया कितने 100 साल तक गुलाम रहा है. इंडिया, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, इंडिया कितने 100 साल तक, हाउ मेनी इयर्स वी वेयर स्लेव अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर डोमिनेशन, हम कब तक गुलाम रहे हैं, क्या बता सकते हैं बच्चे. 200 साल सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी हम लोग भाई, तो हम बताने जा रहे हैं इतिहास की गहराई में. थोड़ा इतिहास की गहराई में जाना जरूरी है, एक घबराइए नहीं, हम आपको उतना ही गहराई में ले जाएंगे जिसमें आप डूबिएगा नहीं. आपको क्या है, डुबाने का नहीं है हमको. और आपका प्रेजेंटेशन मायने रखता है, मेरी बात समझ लीजिए. किस समय का, 190 साल. इसलिए कहा कि भाई 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1947 में हमको आजादी मिल गई. तो लोग कहते क्या है कि भाई 190 साल तक ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं. चलिए भाई यहाँ तक आपकी बातों को मानते हैं. किसी ने कहा कि 200 साल, चलो किसी को 200 साल भी बोल देते हैं, 200 ईयर्स. हम क्या है, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक सुनो बच्चे, मेरा क्वेश्चन है कि हमने ये नहीं पूछा कि हम ब्रिटिश के गुलाम कितने सालों तक रहे. दिस इज नॉट माई क्वेश्चन. अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए. हमने पूछा कि हम इंडिया कितने 100 सालों तक गुलाम रहा है.
दूसरे के अनकंट्रोल में रहा है कितने सौ सालों से। मेरा क्वेश्चन ये है, उसका उसका आंसर हम बताने जा रहे हैं आपको। फिर आया 200 इयर्स, फिर से एक आंसर आया 200 इयर्स। तो भाई मेरे, अगर आप इजाजत दे तो इसको थोड़ा सा हम इस पर रोशनी डालना चाह रहे हैं, मतलब आपको थोड़ा सा इस पर डिटेलिंग में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको इतिहास में अपने देश के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी की जरूरत है, so that you can understand the meaning। मेरी बात सुन लीजिए। तो आपका कहने का मतलब है ब्रिटिश के गुलाम हम कितने साल रहे, 1757 बैटल ऑफ प्लासी से क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूलर बन गया वो। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत पर क्या करने लगी, शासन करने लगी। उसके पहले वो सिर्फ बिजनेस करते थे, तो बिजनेस के लिए आई थी EEIC, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई थी क्या भाई, बिजनेस करने के लिए। और कब बनी थी, 31 दिसंबर 1600 AD में, 31 दिसंबर 31 दिसंबर, ओके 1600 AD, मतलब 1600 ईस्वी में बनी थी। AD में क्या है भाई, इंग्लैंड में, इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ वन से उन्होंने क्या है चार्टर लिया था, आदेश लिया था, यहाँ भाई समझ गए मेरी बात, 1600 में सही आंसर है आपका। और कहने का मतलब है कि 1600 में बनी थी, डेट भी बताते हैं 31 दिसंबर 1600, ये इनका डेट है, मेरी बात समझ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, वो बिजनेस कंपनी थी, यहाँ आई थी बिजनेस करने के लिए। लेकिन हाँ, एक अंकित तो लड़के ने बड़ा अंतर अच्छा बोला, आकाश ये क्रॉस 800 साल, देखो 800 साल तो नहीं लेकिन हम लिखने जा रहे हैं लगभग, ये अंतर जो है लगभग सही है। इस बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया है भाई मेरे, कि 800 सालों तक हम गुलाम रहे हैं। ये भाई आकाश कुमार जो है बड़ा अच्छा आपने सोचा है, एकदम सही नतीजे पर पहुंचने जा रहे हैं। इंडिया 190 साल तक, 200 सालों तक थोड़ी गुलाम रहा है, इंडिया 800 सालों तक लगभग गुलाम रहा है, ये आकाश कुमार का अंतर यही सही है आंसर। इस अंतर को आप कहेंगे कि भैया साबित करिए सर, क्योंकि हमको क्या है, यस 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 आर्यन आदर्श, यस सही है, अफगान मुगल एकदम सही, यही तो हम कहना चाह रहे हैं भाई मेरे। अफगान मुगल जो भी लोग हैं सब तो शासन किए हैं, कहां से गुलामी की शुरुआत हुई है, इसका जड़ पर पहुंचेंगे। आजादी तो हम जान रहे हैं, हम लोगों ने अंतिम में अंग्रेजों से आजादी, फाइनल हम आजाद हो गए, चलिए अच्छी बात है। लेकिन ये भैया आजादी जो है, हम लोग गुलाम, इंडिया वर्ल्ड का सबसे अमीर देश था, इसके बावजूद हम लोग टिके रहे, ये 800 सालों का आंसर जो है सही रहा है। अफगानों के गुलाम रहे, मुगल के गुलाम रहे, एकदम सही है, यही मेन है आपको, यही समझने का जरूरत है। गुलामी की कहानी थोड़ा थोड़ा जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आओ समझ गए मेरी बात, ध्यान पूर्वक ये आगे बढ़ने की जरूरत है बच्चे, क्योंकि इतिहास जानना जरूरी है भाई मेरे। सिर्फ हम अंग्रेजों में गुलाम नहीं रहे, अंग्रेज तो थोड़ा बहुत अच्छा भी था, कि हम लोग को बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दिया, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप लोग मत देख, हम अंग्रेज के जो है एजेंट है ऐसा मत सोचिएगा, कि हम लोग का देखना इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, इफ यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश यू आर नॉट गुड, ओके इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश बुक्स, एवरीथिंग इन इंग्लिश। लॉर्ड मैकॉले ने इसको डिजाइन किया इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को, तो क्या है आप कहेगा अंग्रेज के खिलाफ बोलते हैं, अरे भैया अंग्रेजी में अंग्रेज के खिलाफ बोलते हैं, अंग्रेजी में अंग्रेज के खिलाफ बोलते हैं, क्या 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 बात है। We are opposing the British rule in English style, English language. इसका मतलब तो असर है, बोला था लॉर्ड मैकॉले ने, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया, लॉर्ड मैकॉले ने बोला था कि भारत में ऐसी शिक्षा मैं दे दूंगा कि पूरे भारतीय का सिर्फ ब्लड रहेगा इंडियन, और पूरा का पूरा जो है वो ब्रिटिश रहेंगे, ब्रिटिश को एडमायर करेंगे। हमारा पैंट, हमारा शर्ट, अभी तो आप बताएंगे क्या क्या है, हर चीज स्टाइल देख रहे हैं लोग, सब क्या है ब्रिटिश। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो घर में समाज में क्या होता है भाई, आपकी बड़ा तारीफ होती है, मतलब बड़ा इंटेलिजेंट है ये। तो कहने का मतलब ये है, आजादी का जो बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था बताइए, पहले ये बताइए बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम लिखने जा रहे हैं, हमने एक चीज लिख दिया 1100 तो हम लिख ही देंगे। बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था बताइए मोहित कुमार, हाँ चाहे कोई भी हो जल्दी लिख के भेजिए हमारे पास। बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो गई थी, बैटल ऑफ तराइन, तराइन में जो भी दो बार हुए थे, समझ गए मेरी बात को बताइए। बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था, आप नहीं बताएंगे तो हमको तो बताना ही पड़ेगा। आप अगर कोई आंसर दीजिए तो सही है, यस ऋषिका ने सही आंसर दिया है, बैटल ऑफ तराइन दो हुआ था, 1191 में पहला हुआ था, क्या था बैटल ऑफ तराइन, यही से गुलामी शुरू हुई है, इसलिए हमें लिख रहे हैं भाई मेरे। आप समझ लीजिएगा मेरी बात को, ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा, बेटर हो
पहला बैटल में उधर से कौन था मोहम्मद गोरी और इधर से कौन था हमला कर पृथ्वीराज चौहान, कौन था भाई मोहम्मद गोरी और इधर से कौन थे भाई मेरे पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान ने तराई में पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया। मोहम्मद गोरी वाज डिफीटेड बाय द पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। वो मोहम्मद गोरी जो है ना उसी को बोलते हैं वो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज लहूलुहान, पृथ्वीराज चौहान के चरणों में गिर गया वो कि भैया जान बख्शी जान माफी माफी दे दो। लोगों ने कहा कि इसको माफी मत दो, उनके लोगों ने कहा ये बहुत बड़ा गद्दार है, ये बहुत बड़ा कमीना है, इसको धोखा दे रही है, इसका कत्ल कर दीजिए महाराज। पृथ्वीराज चौहान ही हमारे लास्ट हिंदू, अब हिंदू मुस्लिम नहीं बोलना चाहिए, मतलब लास्ट हमारे जो एम्पायर रहे हैं आजादी, उसके बाद गुलामी का ही दौर शुरू हुआ, समझ गए मेरी बात। तो भाई बोला गया कि भाई इसको माफी मत दीजिए, ये बड़ा खतरनाक कोबरा से भी खतरनाक है, काट लेगा बाद में, धोखा देगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने क्या क्या बोला ध्यान पूर्वक सुनो, कोई आदमी इसको अपने पर्सन ले लेगा कि पृथ्वीराज चौहान क्या थे, वो एक राजपूत राजा थे वो, समझ गए ना। उन्होंने कहा कि मैं अब किसी को ऐसा भाई दूसरे जात वाले ऐसे मतलब कास्ट वाले मत समझिए कि भाई आप किसी का पढ़ाई कर रहे हैं, हमको न टीचर की कोई जात होती है न धर्म होती है, कि मैं राजपूत हूँ। राजपूत धर्म ये कहता है कि बड़ा से बड़ा दुश्मन अगर पैरों में गिर जाए तो मुझे उसको माफ करना पड़ेगा। उन्होंने अपने राजपूत धर्म का अपने राजधर्म का पालन किया और लोगों ने लाख लोगों ने कहा कि भाई ये बड़ा खतरनाक आदमी है, ये धोखेबाज है, ये आपको भी धोखा देगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं धर्म से मजबूर हूँ और उन्होंने उसको जान बख्शी दी। बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी की जान बख्शी हुई है। ये हमारे हिंदुस्तान में देखिए क्या है, हम लोगों ने सच का साथ दिया लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती है। वो गद्दार ने क्या किया, उस गद्दार ने धोखा जिसके रंग रंग में था उसने धोखा दिया। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन फिर एक साल के बाद वो तैयारी से आया रात में सुबह में जब सारे सोए हुए थे, सारे लोग अनजान थे और धोखे से हमला हुआ और पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन में क्या किया, बंदी बना लिया गया और किस कदर मारा गया आप लोग जानते हैं कहानी, आपको उनको फोड़ दिया गया बहुत अत्याचार के साथ, उस धोखे के साथ मर्डर हुआ, उसी मोहम्मद गोरी ने मारा। समझ गए मेरी बात, यहाँ पर समझ में आई यहीं से। यस गजनी का सुल्तान था, सही बोले, गजनी जो डायनेस्टी है अफगानिस्तान इलाके में, गजनी नहीं वहां पर एक घोरियार डायनेस्टी, घोरियार महमूद जो गजनी था ना, गजनी के अंदर में काम करता था मोहम्मद गोरी, कौन था बता रहे हैं, महमूद जो मोहम्मद गजनी था, महमूद गजनी उसी में ये सेनापति था। ये वो पहले कितना बार गजनी अटैक किया हमारे यहाँ, लेकिन वो यहाँ पर शासन नहीं किया उसने, उसने क्या किया यहाँ से हीरे जवाहरात और सोने चांदी को लूट कर ले जाता था गजनी, उसी के सेना में एक बड़ा बड़ा ऑफिसर था ये मोहम्मद गोरी। और क्या किया था, जब गजनी मर गया तो वहां पर अफगानिस्तान में एक घोरियार इलाका, घोरियार ये घोरियार है, इसी का वो उसने अपने को राजा घोषित कर लिया गजनी के मरने के बाद, समझ गए ना, ये मोहम्मद गोरी, और इसी से इसका नाम घोरी पड़ गया, गोरी नहीं घोरी, समझ गए मेरी बात। ये मोहम्मद गजनी के साथ कितना बार यहाँ इंडिया आ चुका था उसके अटैक में, आपको मालूम नहीं है कि जब गजनी यहाँ से सामान ले जाता, जब सोना चांदी ले जाता था यहाँ से लूट कर, तो इतना हैवी हो जाता था वो कि वो क्या है कि जो घोड़े थे उनके उनके कमर की हड्डियां टूट गई उनके लोड से, और उन लोगों सैनिकों को फेंकना पड़ता था। भारत कितना अमीर था सोच लीजिए, भारत कितना अमीर था सोच लीजिए मेरी बात ध्यान पूर्वक। और हम अभी भी वर्ल्ड का 35% पैसा भारत में था, दुनिया का सबसे धनी देश थे हम, 25% चाइना, दो देश मिलाकर 60%, बाकी जितना यूरोपियन कंट्री है जो बड़े बड़े अमीर बन रहे हैं ना सब हमारे सामने भिखारी थे, तब ना हमारे यहाँ बिजनेस करने आए हैं वो, हम कहाँ गए हैं किसी के पास, सब हमारे सामने भिखारी थे, समझ गए बात। तो यहाँ से हमारे शुरू हुई पृथ्वीराज चौहान की जब हत्या हुई गुलामी का दौर शुरू हो गया। मेरी बात एक बच्चे ने सही आंसर दिया 800 साल सही आंसर दिया, यही हम जानना चाहते, हम सिर्फ ब्रिटिश के गुलाम नहीं रहे, हम कहाँ से गुलाम रहे सुन लो मेरी बात, हम समझेंगे, हम दिल्ली सल्तनत का कहानी शुरू हो गए, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी से लेकर आपके इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को हराया जो है बाबर, स्लेव डायनेस्टी में आपको दिल्ली सल्तनत में बाबर मुगल डायनेस्टी, मुगल के भी गुलाम और उसके बाद ब्रिटिश के गुलाम, उसके बाद आजादी मिली है। मेरी बात समझिए मेरी बात बच्चे, आजादी की कहानी में इतिहास की गहराई में ले जाना जरूरी है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, इतिहास की गहराई में ले जाना जो है जरूरी है। आप जो है ना 2 सेकंड का
समय दीजिए एक दो सेकंड का, थोड़ा सा एक दो ही सेकंड भारत की गुलामी यहीं से शुरू होती है। आफ्टर द बैटल सेकंड बैटल ऑफ तराई आफ्टर द डिफीट ऑफ द पृथ्वीराज चौहान बाय द मुहम्मद घोरी नॉट गोरी समझ गए मेरी बात। वो गजनू के मरने के बाद घोरी आए। अब यहाँ से सुनो क्या होता है उसके बाद हमारे यहाँ कहानी इतिहास की कटाइयों में ले जाना जरूरी है ना आपको। अब वहां 1192 पृथ्वीराज चौहान वाज किल्ड और वहां से जाने के बाद उसने यहाँ क्या किया अपना ये डायनेस्टी शुरू हो गई। इसको पहली डायनेस्टी से शुरू हुई क्योंकि इसका एक मोहम्मद गोरी का कोई बेटा नहीं था, वो उसने अफ्रीका के गुलामों को गोद लिया था, एडॉप्ट किया था, समझ गए मेरी बात। वो अडॉप्ट किया था, उसने अपने गुलाम को यहाँ पर का शासक बना दिया। वहां से शुरू 1206 से यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद मोहम्मद गोरी भी मर गया, उसने यहाँ शासन नहीं किया, उसका एक बेटे ने शासन किया जो उसका अपना बेटा नहीं था, वो गोद लिया हुआ था, अफ्रीका का गुलाम था, समझ गया ना कुतुबुद्दीन ऐबक, समझ गया मेरी बात। यहाँ से शुरू हुई स्लेव डायनेस्टी, इसी को बोलते हैं द एरा ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो अभी तक आपका कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई है तो है नहीं तो कोई बात नहीं है। द एरा ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का ये कहानी सुनो थे 1206 से लेकर 1526 ये चला दिल्ली सल्तनत का एरा। दिल्ली सल्तनत का ये पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, इस क्लास में यहाँ से गुलामी शुरू हुई हमारे 1192 से। भारत कब से गुलाम रहा है 1192 से, और उसके बाद यहाँ स्लेब पहली डायनेस्टी स्लेब हुई, अंतिम डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत लोधी डायनेस्टी हुई। इसका अंतिम शासक कौन था इब्राहिम लोधी, समझ के बात। इसका अंतिम शासक कौन था इब्राहिम लोधी। तो आप कहते हैं कि इंडिया सिर्फ 200 साल गुलाम रहा, इंडिया 800 साल तक गुलाम रहा, 800 ईयर्स। एक बच्चे ने आंसर सही दिया है, इंडिया 800 ईयर्स गुलाम रहा है, समझे मेरी बात। अब यहां से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत का दौर, और सब गायब हो जाएंगे आपका लगेगा, आप उस पर क्लिक करने का जवाब नहीं है, ये कहाँ पे लिख दिया। चलिए चलिए आप हाँ, तो ये है 1526 में इब्राहिम लोधी को, इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। 1206 से जो दिल्ली सल्तनत का शुरू हुआ जिसको एस्टेब्लिश किया मोहम्मद गोरी ने, दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया आपने द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी ने, और उसने उस स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई, समझ गए। और चला होगा 1526 स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम डायनेस्टी कौन था भाई लोधी डायनेस्टी, बहुत लोड लीजिए, और इब्राहिम लोधी जो है उसके लास्ट एम्परर हो गए, और इब्राहिम लोधी काफी स्ट्रॉन्ग थे, मेरी बात सुन लो ध्यान पूर्वक, इब्राहिम लोधी को काफी मजबूत था, पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा चल रहा था, यहाँ से गुलामी का दौर शुरू हो गया 1192 में, समझ गए मेरे। तो इसको हराने के लिए अब क्या है, राजस्थान से कुछ राजा, जिसमें था कि राजा क्या सांगा महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ राजाओं ने क्या किया, एक अफगान को इन्विटेशन दिया जिसका नाम था क्या आप लोग समझते हैं बाबर। अब यहां से क्या है मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होगी, समझे मुगल बाबर। अब इन्होंने महाराष्ट्र के मतलब राजस्थान के कुछ हिंदू राजाओं ने क्या किया कि इब्राहिम लोधी को खत्म करने के लिए बाबर के साथ उन्होंने मीटिंग किया, समझ गए बाबर। तो सवाल यह है कि बाबर जो था वो कौन था, वो अफगान था और उसी इलाके का बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर था, उसको उन्होंने एक ऑफर दिया कि आप इब्राहिम लोधी को हरा दीजिए, इब्राहिम लोधी को आप हराने के बाद हिंदुस्तान का शासक हमारे हाथों में दे दीजिए और आप वापस चले जाइए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई इसके बाद तो यहाँ से मुगल शुरू हुए, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये क्या हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी हिंदुस्तान तो काफी धनी देश है, काफी आराम है, काफी बड़ा देश है, तो भैया हम वापस नहीं ले जाएंगे। अब सवाल है कि एक क्वेश्चन का आपको पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, पहली बार हिंदुस्तान में बारूद गन पाउडर बाबर अपने साथ तोप लेकर आया था, कैनन, समझ गए ना, पहली बार हिंदुस्तान में तोप का इस्तेमाल बाबर ने ही किया, इसीलिए वो आसानी से जीत गया, इब्राहिम लोधी हार गया, काफी मजबूत था इब्राहिम लोधी, लेकिन उनके पास क्या एलिफेंट
आपका रेजिमेंट जा रहा था, हाथियों की सेना था, लेकिन वहां पर जब वो गोला गिरने लगा बारूद का, गन पाउडर का इस्तेमाल हिंदुस्तान में ब्रिटिश के पहले मुगल ने कर लिया था, गन पाउडर का वहां पर ही तोप लेकर आया था, और इसके कारण वो इजली जीत गया और हिंदुस्तान से वापस नहीं गया वो। एंड दिस वाज द 1526, दिस वाज द बिगनिंग ऑफ द मुगल रूल। अब गुलामी का नेक्स्ट सेकंड फेज, आजादी का तीन फेज तो आप लिखे हैं ना, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, और गुलामी का तीन फेज तो पहले जान लीजिए। पहला तो दिल्ली सल्तनत, सेकंड हो गया मुगल्स। अब क्वेश्चन मेरा एक है, हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ बाबर, बाबर का पूरा नाम क्या था। अब सिर्फ बाबर थोड़ी नाम है, उसका पूरा नाम बताने की जरूरत है। कैन यू टेल मी द फुल नेम ऑफ द बाबर, चैट में आप आंसर दे सकते हैं, बताइए व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द बाबर, अभी तुरंत बताएंगे आपको। What was the full name of the Babar? बाबर का पूरा नाम क्या था? हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे, क्योंकि आप गूगल के ऊपर नहीं जाइए, आप खुद बताएं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज द फुल नेम, किसी भी चीज का पूरा चीज देखो, ध्यान पूर्वक सुनिए। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज द फुल नेम ऑफ द बाबर, बाबर का पूरा नाम यही था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, समझ गए मेरी बात। अब उसके बाद बाबर के बाद क्या है, अब मुगल डायनेस्टी में बाबर के बाद कौन कौन आया, इसको याद रखने की जरूरत है, यही तो है। इसके बाद ब्रिटिश आए है ना, तब तो हम लोग आजादी दिलाने की बात करेंगे। बाबर, इसको एक बना लो अपना कॉपी में, बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं, और हुमायूं का बेटा कौन, बोलो, अकबर। अकबर का बेटा कौन बताओ, अकबर के बेटे का नाम सलीम, इसका नाम क्या, जहांगीर। अकबर का बेटा कौन है, जहांगीर, और जहांगीर का बेटा कौन था भाई, शाहजहां, जिसने की ताजमहल बनाया, और शाहजहां का बेटा जो है, तो काफी बहुत सारे बेटे थे, इसमें सबसे खतरनाक और सबसे जो है डैमेज हिंदुस्तान देश का नाम था औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मुगल डायनेस्टी इन्होंने इतना साल तक रूल किया, समझ गए मेरी बात। और इन्हीं के, इसी जहांगीर के समय में, इसी जहांगीर के समय में, उसमें आगरा में मुगलों की राजधानी थी, मुगलों का कैपिटल कहाँ था भाई, आगरा में, और हमारे यहाँ ब्रिटिश आए थे। जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए, अब देखिए कहाँ से कहाँ तक, राजा, उसके बाद औरंगजेब, समझ गए ना, औरंगजेब, इसके बाद औरंगजेब, तो आप लिख लीजिएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, इतने मुगल में फेमस है, जिनका की बहुत चर्चा होती है, इतिहास इनका गवाह है। लाल किला घूमने जाइए, आगरा का ताजमहल घूमने जाइए, कहीं भी घूमने जाइए, पर अकबर ने बनाया है, शाहजहां ने बनाया है, बाबरी में ये बनाया है, सब ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, समझिए मतलब। ये अब गुलामी का सेकंड फेज, फर्स्ट फेज दिल्ली सल्तनत, सेकंड फेज मुगल्स। और इसी मुगल के दरमियान क्वेश्चन है हमारा कि भाई हम, कि भाई किस, कौन सा मुगल शासक था जिसमें अंग्रेज हमारे यहाँ आए, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है आपकी 31 दिसंबर 1600 को कौन सी कंपनी बनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी जब हमारे यहाँ, तो इंडिया में वो क्यों आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको बोलते हैं EEIC, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भाई भारत में आप क्यों आना चाह रहे हैं भाई मेरे, क्यों भारत में आना चाह रहे हैं भाई, भारत में क्या है, आप लोग अमीर आदमी है, भारत सब दुनिया का सबसे अमीर देश रहा है, आज तो नहीं है, गरीब देशों के लिस्ट में हम लोग हैं। 35% पैसा क्या था इंडिया में, 35% वेल्थ इंडिया में था, 25% वेल्थ हमारा चाइना में, मेरी बात समझ गए, हम 60% इकोनॉमी थे, इसी लालच में दौड़ाते थे। तो इंडिया में कितने फॉरेन पावर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी थी, इंग्लैंड की, उसके पहले भाई मेरे यहाँ पर दो यूरोप, ये कहा कि किस कॉन्टिनेंट में यूरोप, इसके पहले दो यूरोपियन ऑलरेडी हमारे यहाँ आ चुके थे जो काम कर रहे थे, कौन कौन थे भाई, हमारे यहाँ 4 यूरोपियन कंपनियां आई है बिजनेस करने के लिए, उसमें पहले कौन आया है भाई मेरे, पहले पुर्तगीज आए हैं, पुर्तगाल से पुर्तगीज, वास्को डी गामा का नाम आप लोगों ने सुना है ना, कहाँ का था वो, पुर्तगाल का था, और उसी ने यहाँ का सी रूट बनाया, नक्शा बनाया 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत आने का समुद्री रास्ता खोजा, सी रूट, और उसी रास्ते से, वो नक्शा नहीं बनाता तो हम गुलाम नहीं होते ब्रिटिश के, क्योंकि आने का रास्ता ही नहीं था, लोग रास्ते में ही मर जाते थे, भारत आने का किसी को रास्ता ही नहीं मालूम था, क्योंकि वहीं सी रूट था, ये वास्को डी गामा ने बना दिया रास्ता, पुर्तगाल का था ये, और सबसे पहले पुर्तगीज आए फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने के लिए, मेरी बात समझे आप।
और उसी नक्शे के सहारे के पास इसके बाद कौन सा है डच, और थर्ड में आया ईस्ट इंडिया कंपनी, और फोर्थ में आया था लास्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ गए ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच पीआईएस। ये बाद में आया था 1965 में आया थे। तो ये हमारे यहां जब ये लोग आए लगभग 1608 से 1612 की कहानी है ये। इन्होंने जहांगीर से परमिशन लिया, गॉट द परमिशन फ्रॉम द जहांगीर टू स्टार्ट द, उन्होंने ऑफर दिया था कि गुलामी का दो फेज, दो बार बेवकूफ बन चुके हैं हम लोग, मोहम्मद गोरी को माफ करके बेवकूफ बन गया। उसके बाद क्या हुआ भाई मेरे, अब उसके बाद जो है दिल्ली से बाबर उसको भी बुला के हम लोग गुलाम बन गए। उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, और क्योंकि शासन हमारे यहाँ जहांगीर का था, उस समय आगरा में राजधानी थी। अब जहांगीर के दरबार में कौन गया भाई, अब दो क्वेश्चन है, केबीसी का क्वेश्चन है ये, समझ गए मेरी बात। अब एक केबीसी का क्वेश्चन जो एक बार एक करोड़ का क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस जहाज में सबसे पहले वो जहाज किस जगह आया, सूरत में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जहाज था यहाँ सिर्फ, वो सिर्फ कहाँ पड़ने लगा भाई मेरे, सूरत बंदरगाह, सूरत पोर्ट। तो उस जहाज के कैप्टन का क्या नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट रीच्ड एट सूरत पोर्ट, ये क्वेश्चन है। अब जल्दी से इसका जो है आंसर आप दीजिए। ओके, कैन यू गिव मी द आंसर, अगर आंसर नहीं देंगे तो फिर हमको आपको आंसर बताना पड़ेगा। मेरी बात समझे आप, रॉबर्ट क्लाइव तो कमांडर था, रॉन्ग आंसर है। हमारा क्वेश्चन है कि जिस जहाज से ईस्ट इंडिया का केबीसी का 1 करोड़ का क्वेश्चन जो पहले पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन 1 करोड़ में पूछा गया था। वास्को डी गामा तो पोर्टुगीज ट्रेवलर था, विलियम हॉकिंस, बार बार हम क्लास में बोले विलियम हॉकिंस उस जहाज के कैप्टन का नाम था, उसका नाम भी अमर हो गया है। विलियम हॉकिंस उस जहाज के कैप्टन का नाम था, रॉबर्ट क्लाइव उसके कमांडर का नाम है, वास्को डी गामा तो पोर्टुगीज था, ब्रिटिश था ही नहीं, दोनों आंसर रॉन्ग हो गया। और सवाल है कि भाई विलियम हॉकिंस लिख लेना, उस जहाज के कैप्टन का नाम था विलियम हॉकिंस, लकड़ी का बना हुआ जहाज था, और उसमें जो ब्रिटिश ऑफिसर जो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले गया है वहां उसको समझाने के लिए, उसका नाम भी बताइए। ये भी क्या है, केबीसी का क्वेश्चन था, केबीसी का ये भी क्वेश्चन है, आपका इतिहास का क्वेश्चन ही है, उसका नाम क्या है। तो हम आपको 10 सेकंड का मौका देते हैं, बताइए प्लीज, नहीं बताएंगे तो फटाक से हम बताएंगे आपको, समझ गए। उसका नाम था थॉमस रो विलियम हॉकिंस, कैप्टन थॉमस रो उसका जो मेन एजेंट था थॉमस रो। और कौन सा शासक था जहांगीर, समझ गए, शाहजहां का शासन उस समय नहीं हुआ था, जहांगीर था, राजधानी कहाँ थी मुगलों की, आगरा में, आगरा में रेड फोर्ट है अभी भी है, और टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं उसमें, मेरी बात समझ नहीं आता। तो ये जो है जहांगीर को उन्होंने कन्विंस किया, वी आर ट्रेडर, हम लोग क्या है, ये गुलामी का तीसरा फेज चल रहा है। अब दो बार तो हम लोग हो गए मुगल के बाद, अब ये लोग आ रहे हैं, ये लोग मुगल से भी आ रहे चला के, लेकिन इनकी गुलामी, ब्रिटिश की गुलामी ने से हम लोगों ने कुछ पाया है। वी आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्कूलिंग सिस्टम किसने लाया हमारे हिंदुस्तान में, उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बताइए जिसने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम, क्लासरूम सिस्टम, अटेंडेंस, रूटीन एग्जामिनेशन जो हमारे यहाँ शुरू किया, उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बताइए, नाम जल्दी से बताइए उसका भी आप, जिसने जिस एजुकेशन सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका है लॉर्ड मैकॉले। ओके, सामने से फ्रंट कर दे, आपको फ्रंट कर देते देखिएगा, रुकिए बोलिए कि एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। उसका नाम था लॉर्ड मैकॉले, उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम है लॉर्ड मैकॉले, और उसने बोला था, ध्यान से सुनो भाई मेरी बात, उसने बोला था कि मैं ऐसा एजुकेशन सिस्टम ला दूंगा इंडिया में, नॉट इन फेवर ऑफ द इंडियन, इंडियन के फेवर में नहीं लाया गया कि इंडिया के जो भी यंग जनरेशन है उनकी पूरी एनर्जी क्लासरूम में ही चली जाए, बच्चा 25 साल तक पढ़ता ही रह जाए, वो
और उसको लगे कि हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए और वो किसी काम का नहीं रह जाए, मतलब क्लासरूम एजुकेशन सिस्टम। उसने कहा कैसा एजुकेशन सिस्टम हम लाएंगे इंडिया में कि भारत के लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनका ब्लड रहेगा इंडियन और उनका सारा चीज हो जाएगा ब्रिटिश। दिस वाज द पॉलिसी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सारा चीज क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यही है तो हम अभी डिस्कशन कर चुके हैं, ये बात सच है। तो हमारा डिस्कशन का जो है मुद्दा है, मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये जो है हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं भाई, आप मेरे भाई मेरे अभी तो यस सर ठीक है। तो यह है हमारा यहाँ से अब बीते शुरू हुआ और धीरे धीरे हम ब्रिटिश रूल में एंटर करने जाए, ये गुलामी के अंतिम फेज में। आजादी के पहले गुलामी की कहानी ज्यादा जरूरी है ना, आजादी के पहले गुलामी का कहानी जाना तो जरूरी है, समझ गए? तो ये कहने का मेरा मतलब है कि आप इतना समझ रहे हैं तो आगे भी समझते जाइए। अब यहाँ से धीरे धीरे उन्होंने क्या कि बिजनेस करने लगे, गुलामी का दौर 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी हुई, क्या हुई? बैटल ऑफ प्लासी। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी क्या हुआ भाई मैंने? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी कहाँ हुआ, भारत के किस हिस्से में हुआ, ये तो बताइए। अगर मेरी बात हमारे हमको सुन रहे हैं देख रहे हैं तो बैटल ऑफ प्लासी कहाँ हुआ था? मद्रास में, बॉम्बे में, बंगाल में, कहाँ हुआ था बताओ भाई मेरे? यस बंगाल में। ब्रिटिश का जो कमांडर था उसका नाम क्या था भाई मेरे? ब्रिटिश कमांडर का नाम क्या था? रॉबर्ट, अभी किसी ने हम तो नाम बता दिए गलती कर दिए, रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश कमांडर का क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। और उसके तरफ से उसके किसके खिलाफ हुआ था, कौन था वहां का नवाब? व्हाट वाज द नेम ऑफ द नवाब ऑफ द बंगाल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी? हु वाज द नवाब ऑफ द बंगाल? बंगाल का नवाब कौन था भाई मेरे? रॉबर्ट क्लाइव सही आंसर है। सिराजुद्दौला सही आंसर है। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब उस समय। और सिराजुद्दौला के कमांडर का नाम कौन था, जो सैनिक कमांडर था उसका, जिसको कि अंग्रेजों ने मिला लिया था? बताइए, इतिहास की गहराइयों में जाना है। सिराजुद्दौला सही आंसर है, लेकिन उस कमांडर का भी तो नाम बताइए आप। इंग्लिश कमांडर थे उसका जो कमांडर था, इसका तो इसके तरफ से ब्रिटिश के तरफ से कौन थे भाई? रॉबर्ट क्लाइव। और उसके तरफ सिराजुद्दौला के तरफ से कौन? सिराजुद्दौला के तरफ से कौन लड़ रहे थे? मीर जाफर इज द करेक्ट आंसर। मीर जाफर इज द करेक्ट आंसर, जो एक गद्दार था। मीर जाफर क्या था? एक गद्दार, ट्रेटर। और उसने गद्दारी किया सिर्फ बंगाल के साथ नहीं, देश के साथ भी। मेरी बात समझ में आ रही है? और मीर जाफर को इसने ऑफर कर दिया था, देखो भाई अंग्रेजों का नीति बहुत जबरदस्त होता है, आज भी है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। या तो जीत लो, या तो डरा दो, या तो तोड़ दो, या तो फोड़ दो। जीतो ताकत है, कहीं तो कहीं उन्होंने जीता भी ताकत से, जीत लो। कहीं उन्होंने डरा भी दिया, सब्सिडियरी अलायंस से उन्होंने डरा दिया था कि भाई हमारे अंदर में आ जाइए लेकिन आपको हम छोड़ेंगे नहीं, वो डरा दिया हुआ। कहीं पर तोड़ दो, पंजाब को तोड़ दिया दिलीप सिंह को और रानी जिंदान के बीच में। और कहीं पर क्या है, फोड़ दो, फोड़ का मतलब अपने तरफ मिला लो, ये होगा मीर जाफर को मिला लिया। और क्या हुआ, इसी से क्या है बैटल ऑफ प्लासी क्या है, उन लोगों ने क्या है जीत लिया। मेरी बात समझ गए? मेरी बात दिमाग से समझ में आए? बैटल ऑफ प्लासी वाज द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बैटल ऑफ प्लासी। और उसके बाद 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। समझ गए मेरी बात? तो गुलामी पहले जान लेना, तब ना हम जानेंगे कि भाई आजादी कितनी अहम चीज है, आसान नहीं है। कितना 800 साल वो बच्चा सही लिख के भेजा कि भैया 800 साल तक हम गुलाम रहे हैं भैया मेरे, और 800 साल तक हमको लूटा गया, उसके बावजूद भी जो है हम कायम हैं। और अंधेरा हमारे यहाँ नहीं, अंधेरा नहीं कायम है, हम कायम है। समझिए मेरे, हम थोड़ा सा देखते रहे अपन सर। तो ओके, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये बैटल ऑफ बक्सर, ये दोनों लड़ाइयां इतिहास में हमारा ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई। धीरे 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 उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया और हम जो नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं अब जो है उसका शुरुआत। ब्रिटिश रूल ने कब्जा किया, हमारा एजुकेशन सिस्टम ले आया। थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई मेरे, किया भाई आपका अटेंडेंस का टाइम हो रहा है कि नहीं,
अभी दो तीन मिनट के बाद आपका जो है प्रेजेंटेशन हम लोग नया शुरू करेंगे, दो तीन मिनट के बाद, दो तीन मिनट और है मेरे पास, तो समझ गए यहाँ से। दिस वाज दिस बिगनिंग। अब यहाँ से ब्रिटिश ने पूरा हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। मेरी बात समझ गए? अब ये हम ये स्टोरी में हमको ये नहीं बताना है कहाँ कब्जा किया, पहले हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं किस तरह से एंग्लो मराठा हुआ, एंग्लो मैसूर हुआ, ये सब नहीं बताने का है। वो क्या है, कब्जा हो गया, यहाँ से शुरुआत हुई कब्जा का, ब्रिटिश ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ धीरे से आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका रूल हमारे यहाँ, हम पर किसने कब्जा किया, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जा किया? क्वेश्चन ये है, हम पर किसने कब्जा किया, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जा किया? बच्चे मेरे बोलो, हमारे हम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जा नहीं किया। अरे भाई, हम पर तो एक बिजनेस कंपनी ने कब्जा कर लिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया, समझ गए? हम पर किसने कब्जा किया, कर लिया EEIC, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर कब्जा किया। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम पर किसने किया, हु कैप्चर्ड इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक बिजनेस कंपनी ने हम पर कब्जा कर लिया। सोचिए क्या दिमाग है, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बाद में आई, ये रहा 1757। एक कुछ डेटा है आपको लिखने का है, आप डेटा नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, 1757 से लेकर 1857 ये जो है हमारे यहाँ किसका रूल था, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द रूल ऑफ ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस वाज नॉट द रूल पीरियड ऑफ द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शासन नहीं किया हमारे यहाँ इस दरमियान। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसी से लोग नेशनल मूवमेंट इसके खिलाफ हम लोग गए हैं। दिस वाज द पीरियड, 100 सालों का जो है लगभग ये कहानी रही है, 100 सालों तक हमारे यहाँ मेन रूल किसका रहा है भाई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। मेरी बात समझ गए? और उसके बाद 1857 से लेकर 1858 मान के चलिए 7 से, और उसके बाद 1947 हमारे यहाँ किसका शासन रहा बच्चे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसको बोलते हैं क्राउन रूल, कंपनी रूल, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द पीरियड ऑफ कंपनी रूल एंड दिस इज द पीरियड ऑफ क्राउन रूल। समझ गए मेरी बात ध्यान पूर्वक? ओके, अभी आपका जो है टाइम है क्या, किस चीज का है, अभी आप दो मिनट के बाद लेंगे। दिस इज द पीरियड ऑफ कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। अब हमको क्या है, हम यहां इसके बाद से हम फ्री हुए, फ्री इंडिया। अब यहां हमने बैक हिस्ट्री हमने पढ़ लिया, समझ गए, बैक हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई बैक हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको है आजाद होना, अब है आजाद होना। तो हमारा नेशनल मूवमेंट का जो चैप्टर का नाम है, पहला जो नेशनल लेवल मूवमेंट माना जाता है हमारे देश में आजादी की लड़ाई, छोटी 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 ब्रिटिश के खिलाफ पहले लड़ाइयां हुई है हमारे यहाँ, छोटी छोटी लड़ाइयाँ जारी रही, बीच बीच में डिसएग्रीमेंट, ट्राइबल मूवमेंट हुआ, बहुत सारा मूवमेंट हुआ, बिजनेसमैन का मूवमेंट हुआ, सब मूवमेंट होते रहता था। लेकिन बड़े पैमाने पर नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बड़े पैमाने पर सबसे पहला जो हमारा मूवमेंट हुआ है, जिसको आप नेशनल मूवमेंट की तरह कह सकते हैं, लाइक ए बिग मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो जो हमारा पहले हुआ है पहला, उसको बोलते हैं क्या, सिपाही मुक्तिनी, सिपाही विद्रोह, क्या बोलते हैं इसको आपको, सिपाही मुक्तिनी, सिपाही विद्रोह, जो काफी बड़े देश में रहा है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये सबसे पहले क्या हुआ है भाई, 1857, ये हमारा, इसको हम कर सकते हैं, दिस वाज द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये पूरी तरह वायलेंट था, ये पूरी तरह क्या था, इसमें वायलेंस का सहारा लिया गया था। बट उसके पहले अनेक मूवमेंट हुए हैं, ट्राइबल्स इलाके में हुए हैं, फॉरेस्ट इलाके में हुए हैं, फार्मिंग के इलाके, कल्टीवेशन वाले इलाके में हुए, छोटे 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 अंग्रेजों के विरोध में अनेक लड़ाइयां लोग लड़े हैं छोटे पैमाने पर। लेकिन बड़े पैमाने पर नॉर्थ इंडिया में जो पहला हमारा जो मूवमेंट हुआ है, इसको माना जाता है, दिस इज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट, इसको बोला गया। लेकिन एक वायलेंट था, इसमें हिंसा का इस्तेमाल किया गया था, इसको बोला गया सिपाही मुक्तिनी, सिपाही विद्रोह। ये शुरू हुआ कहाँ, बैरकपुर से। आप लोग कारण है, इसका बहुत सारा कारण था, इकोनॉमिक रीजन, पॉलिटिकल रीजन, इंस्टेंट रीजन्स, बहुत सारा रीजन था, रिलीजियस रीजन्स। इसके रीजन की चर्चा में हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी, इसके बहुत सारे कारण थे, क्या क्या कारण थे उसका भी हम डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन शुरुआत यहीं से हुई, धीरे से बड़ा विद्रोह बन गया, और यहाँ वेस्ट बंगाल से होते हुए आपका यहाँ बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह इसमें थे शामिल, रानी लक्ष्मीबाई, जो भी आप बड़े बड़े झांसी की रानी, सबका इसमें इसी में थे, इसी पीरियड में थे वो, ना तात्या टोपे, नाना साहेब,
यहाँ तक उस समय हमारे मुगल के आप एक क्वेश्चन और है, जिस समय 1857 में हमारा विद्रोह हुआ पहला, उस समय मुगल शासक कौन था भाई मेरे, क्या बता सकते हैं आप, क्या बता सकते हैं? समय तो आपका नहीं रह गया है, हम बता रहे बहादुर शाह जफर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर उस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे, उसी को अंग्रेजों ने अंतिम मुगल शासक माना। अब बहादुर शाह जफर को ही उसके बाद किसी को नहीं माना उन्होंने, समझे, लाल किला में अंतिम शासक उन्हीं को बहादुर शाह जफर को ही माना गया था। इसके बाद उन्होंने उसको बहादुर शाह जफर का क्या कर दिया, सफाया कर दिया, मतलब उनको रंगून भेज दिया गया था। अब वो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, और टिल देन आपका क्या है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ले लें। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आपका प्रेजेंटेशन आपका रिजल्ट है, दिस इज नॉट माई इंस्ट्रक्शन, ये मेरा नहीं है, ये मैनेजमेंट का रूल बन चुका है कि जो प्रेजेंट करेंगे रिजल्ट उन्हीं को दिया जाएगा। योर प्रेजेंटेशन इज योर रिजल्ट, सो बी प्रेजेंट ऑलवेज। Now we have only, okay, we have completed the time, but your presentation is mandatory. आपका जो presentation है वो mandatory है। EEI से सही है, लेकिन इसमें देखो थोड़ा इजी होता है। अच्छा ठीक है, इसमें से बढ़िया ना, इसमें आराम से बाएं हाथ में रहता है। ओके, नाउ टाइम इज ओवर, योर प्रेजेंटेशन इज योर रिजल्ट, इट इज लिंक्ड टू योर रिजल्ट, बी प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। जो एक्टिव रहेंगे, जो लाइव चैट में रहेंगे, हमारे रिकॉर्ड में उन्हीं का नाम रहेगा, बाकी का नाम हम लोग क्या करेंगे वो दूसरे रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट क्लास।